सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0। मैं नाम अभिषेक पांडे। दोस्तों, आप लोगों के जो पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर एक आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या बताया गया है, किस तरह से पाठ्यक्रम रहने वाला है आप लोगों का और किस तरह से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। और तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आपके जुड़ चुके हैं। आप लोग वहाँ पर उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे भी सारी चीज़ें वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है, मैं वहाँ पर मोस्टली लाइव रहता हूँ तो आपके सभी डाउट्स को तुरंत ही क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस है इसको पब्लिश किया गया है 21/1/2021 को। काफ़ी बड़ा नोटिस है, पूरा ही नोटिस हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में और मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा सारी चीज़ें। आपके जो जितने भी डाउट्स हैं इस सिलेबस को लेकर, सारी आपके डाउट्स क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। इस नोटिस को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ये संशोधित पत्र है, देख लेते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है। प्राचार्य सचिव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, अवगत हो कि आपके महाविद्यालय में संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं एमएड, बीपीएड और बीए, एलएलबी, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर आदि में पठन पाठन कार्य हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। प्राय देखने में यह आ रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय से शिक्षक अनुमोदन हेतु विषय विशेषज्ञ प्राप्त कर लिए गए हैं, मगर प्राप्त विषय विशेषज्ञों से शिक्षक अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई है, जो कि अनियमितता उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या दी गई है, दिनांक 5/10/2020 इस आशय से प्रेषित किया गया था कि माह दिसंबर 2020 तक महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षक चयन कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञ प्राप्त कर लें और शिक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण कराकर पत्रावली विश्वविद्यालय के नियमानुसार जमा कर अनुमोदन प्राप्त कर लें, परंतु महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों के पत्र में क्रम कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आगे बताया गया है कि अतः समस्त पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को पुनः सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षक अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय विशेषज्ञों से अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रावली अविलंब विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दें, ठीक है, एवं ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में विषय विशेषज्ञ प्राप्त नहीं किए गए हैं वह दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अन्य जरूरी कागजात संलग्न कर पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा कर विषय विशेषज्ञ प्राप्त कर माह मई 2021 तक शिक्षक अनुमोदन की कार्रवाई पूर्ण कर लें, अन्यथा ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में दोबारा विषय विशेषज्ञ प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये विश्वविद्यालयों के लिए, आपके कॉलेज के लिए यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है। उक्त के साथ साथ यह भी अवगत कराना है कि समस्त महाविद्यालय संबद्धता से संबंधित सभी मानक एवं संबद्धता पत्र में इंगित कमियों को पूर्ण करते हुए पत्रावली 10 जून 2021 तक जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में अगले सत्र में शिक्षक अनुमोदित न होने, प्रबंध समिति अनुमोदित न होने एवं पत्र में इंगित कमियां पूर्ण न होने तथा पत्रावली समय से जमा न होने की स्थिति में अगले सत्र 2021-22 में ऐसे महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही स्थायी संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शिक्षक प्रबंध समिति अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लॉगिन नहीं खोली जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन को जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये वाला जो नोटिस है उन लोगों को इस बारे में पता है या नहीं। शिक्षक अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय विशेषज्ञों की से अनुमोदन प्रक्रिया उनकी पूर्ण हो गई है या फिर नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ये आप लोग प्रतिलिपि भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सहायक कुल सचिव कुलपति सचिवालय माननीय कुलपति जी को सूचना प्रेषित, ठीक है, एजेंसी 2015-20 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। मतलब कि आपके महाविद्यालयों के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि जो ये प्रक्रिया है आपके कॉलेज में पूरी हुई है या फिर नहीं, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कम चेक कर पाता हूँ मैं, इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पर मोस्टली लाइव रहता हूँ, तो वहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।